हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आपका अपना खुद का चैनल पोकेमोनर वाई। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन फ्रॉम ईच रीजन। गाइस आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, बेस्ट नहीं बोल रहा, मतलब जो अपने थर्ड स्टेज पर आके तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोलैबोरेट करने के लिए डायनेमिक डीएल का, तो चलिए मैं उनसे मिलवा देता हूँ आपको। तो यार हेलो गाइस, आपको मेरी आवाज से ही पता लग गया होगा कि मैं पोकेमोन वाई नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं हूँ डायनेमिक डियालगा। आज मेरी और उसकी कोलैब वीडियो है और आपको टाइटल देख के पता ही लग गया होगा कि हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो टाइम बर्बाद ना करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो पर। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांटो की। तो कांटो का जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन है वो है चारमेंडर। गाइस अगर मैं यार चारमेंडर को नहीं लाता तो यार पब्लिक मेरे पे गुस्सा हो जाती, क्योंकि यार चारमेंडर यार बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका थर्ड स्टेज यानी जो है चारिजार्ड वो तो और भी ज़्यादा फेमस है। और गाइस चारिजार्ड के दो मेगा एवोल्यूशन है, एक मेगा चारिजार्ड एक्स और मेगा चारिजार्ड वाई, और मेगा चारिजार्ड एक ड्रैगन टाइप का भी पोकेमोन है। और यार चारिजार्ड इतना पॉपुलर है मैं आपको क्या बताऊँ, ये ऐश के पास भी है, रेड के पास भी है, अलायन के पास भी है, और ये विनसॉर और ब्लास्टोइस से ज़्यादा ताकतवर है। सो गाइस हमने ऐश के चारिजार्ड को देखा होगा किस तरह उसने गैरी के ब्लास्टर्स को हराया था, और हमने एलन के चारिजार्ड को भी देखा है किस तरह उसने ऐश का ग्रीनिंजा यानी ऐश ग्रीनिंजा को हरा दिया था कालोस रीजन में। इसलिए गाइस हमने चारमेंडर को रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ कांटो, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन। तो गाइस हम बढ़ते हैं जोटो रीजन की ओर। दोस्तों हमने जोटो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर हमने ऑफकोर्स है टोटोडाइल को रखेंगे, क्योंकि सिंडाकोइल और चिकोरीटा अगर पोकेमोन देखे जाएं तो ये वैसे ज़्यादा बुरे तो नहीं है, पर ये मुझे अच्छे नहीं लगते। ये जोटो का मैंने खुद रखा है, मैंने इसे थोड़ी रिसर्च की थी, तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद सबसे बेस्ट तो सिंडाकोइल आ रहा था, पर दोस्तों हमने अपने लिस्ट में फिर भी टोटोडाइल को रखा है। हम इसमें ऐश के टोटोडाइल की बात नहीं करें, क्योंकि सिर्फ ऐश का ही टोटोडाइल है जो यू नो मतलब मस्ती में घूमता रहता है, पर फिर भी टोटोडाइल जब इवॉल्व हो जाता है आखिरी स्टेज पे फरेलिगेटा पे तो उसमें बहुत ताकतवर मूव्स होते हैं, इसलिए हमने टोटोडाइल को स्ट्रॉन्गेस्ट जोटो का स्टार्टर रखा है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं होयन रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन के बारे में। सो गाइस जो होयन रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन है उसे तो आप सभी जानते हैं, और वो है हमारा प्यारा सा ट्रिको। अब गाइस मुझे यार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा पोकेमोन लूँ, टॉर्ची लूँ कि मडकीप लूँ, क्योंकि यार तीनों ही अच्छे हैं। पर यार एंड में मैं कन्फ्यूज़ हो गया स्केप्टल और ब्लेजिकेन के बीच में, क्योंकि यार ब्लेजिकेन भी बहुत ताकतवर है और स्केप्टल भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर यार मैंने एंड में यार स्केप्टाइल को लिया, क्योंकि यार उसका मेगा एवोल्यूशन एक ड्रैगन और एक ग्रास टाइप का है, स्केप्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, और ब्लेजिकेन का मेगा एवोल्यूशन फायर और फाइटिंग टाइप का है, और ड्रैगन टाइप बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और गाइस हमने स्केप्टाइल को यार ऐश के पास भी देखा है और उसे कालोस रीजन भी देखा था सॉयर के पास, तो यार स्केप्टाइल के यार फैन फॉलोइंग भी बहुत है यार। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको स्केप्टाइल कैसा लगता है। तो इसीलिए हमने यार होयन रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन रखा है ट्रिको। हमने दोस्तों सिनो में अपने बेस्ट स्टार्टर को रखा है या स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर को हमने चिमचार को रखा है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं अनाइमी पे। तो अगर हम देखें तो अगर आप सिनो में चिमचार को स्टार्टर लेंगे तो आपको पहले जिम में हराने में थोड़ा इजी रहेगा, अगर आप पेपलप लेंगे तो आपको थोड़ा मॉडरेट यानी थोड़ा मुश्किल रहेगा, आगे जाकर आपके लिए थोड़ा ईजी होता जाएगा। और अगर बेस्ट स्टार्ट की बात करें हम लोग तो फिर उसमें पिपलप सिर्फ डिफेंस के मामले में आगे है और चिमचार बाकी सब में आगे, यू नो एजिलिटी वगैरह इन सब में। और लुकवाइज देखा जाए तो ये दोनों ही एंड स्टेज में आके बहुत ही सही दिखते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और चिमचार की एक और ख़ास बात है, ये कभी हार्ड नहीं मानता, इसलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर रखा है सिनो का। सो गाइस जो यूनोवा का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमोन है यार उसे लेने में मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि यार यूनोवा के तीनों स्टार्टर पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि है स्नाइवी, टैपिक और ओशोवॉर्ड। फिर गाइस मैंने एंड में डिसीजन लिया कि यार तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ओशोवॉर्ड। और गाइस यहाँ पर मैं सिर्फ ऐश के ओशोवॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यार ऐश का ओशोवॉर्ड थोड़ा सा कमज़ोर था। हमने यार ओशोवॉर्ड का फाइनल स्टेज जो कि है समोरोड देखा होगा कैमरन के पास। गाइस कैमरन ऐश का राइवल है यूनोवा रीजन का, और उसका समोरोड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। यार ऐश अगर अपने समोरोड को ओशोवॉर्ड को यार पूरी तरीके से विकसित कर लेता समोरोड में तो शायद वो थोड़ा ताकतवर हो सकता था। और गाइस यार
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि यार यूनोवा रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा है। यार मेरे हिसाब से तो वो ऑशोवॉट है। तो यार हमने ऑशोवॉट को रखा है यूनोवा रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन। अब हम बढ़ते हैं कालोस रीजन की ओर। तो दोस्तों कैलोस पे हमने फ्रोकी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों फेनिकिन और फ्रोकी में इतना डिफरेंस है। जैसे अब अगर हम बेस स्टार्ट पे जाएं तो फिर जो ग्रेनिंजा है या फिर फ्रोकी का आप ले लो, दोनों की जो बेस स्टार्ट है वो फेनिकिन और डेलफॉक्स दोनों से ही बेटर है और जो सेकेंड स्टेज है वो भी बेटर है। और प्लस दोनों का ये एक और एडवांटेज है कि जब वो थर्ड स्टेज पे आते हैं उनका एक और अलग सा एक टाइप ऐड हो जाता है। जैसे ग्रेनिंजा बन जाता है डार्क टाइप और डेलफॉक्स बन जाती है साइकिक टाइप। तो दोस्तों हम जानते ही हैं डार्क साइकिक को हरा देता है, घोस्ट नहीं डार्क साइकिक को हरा देता है, इसलिए हमने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर में फ्रोकी को रखा है कैलोस के रीजन में। सो गाइस हमने इस वीडियो में अलोला रीजन को नहीं लिया है। तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि यार अलोला रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा है। सो गाइस अगर आपको एक कोलैबोरेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डायनामिक डायलॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर यार फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अगर आप पुराना सब्सक्राइबर हो तो लाइक भी कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।